आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक और ब्लिंच पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ कि बीएड डिग्री धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, 25 अक्टूबर के पहले पहले एनसीटीई के माध्यम से बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करने हेतु जो जरूरी कार्रवाइयां हैं वो कंप्लीट कर दी जाएंगी और आप सभी लोगों को 30 अक्टूबर तक रिलैक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस पर अग्रिम कार्रवाई सरकार की शुरू हो चुकी है और आगामी समय में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको देखने के लिए मिलेगी, उसमें इन तमाम मुद्दों को लेकर के जद्दोजहद किया जाएगा। और कई ऐसे मामले, क्योंकि चुनावी मोड है, चुनाव के मोड में गवर्नमेंट आ गई है, तो पूरी तरीके से बीएड विद्यार्थियों को खुश करने के लिए फिर से एक बार आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। और बीएड डिग्री धारकों की ये लड़ाई अब अपने मुकाम तक पहुँच चुकी है और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को एक सरकारी राजपत्र, भारत का राजपत्र देखने के लिए मिलेगा, जिस तरीके से आप सभी लोगों को पुनः बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में भर्ती करने हेतु, उनको सम्मिलित करने हेतु आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। आप लोग इस बात को लेकर के चिंतित बिल्कुल ना हो कि आप लोगों का पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। नहीं, अब क्लोज नहीं, अब ओपन हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हम आप सभी लोगों के साथ हैं। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। चलिए खबरों की शुरुआत में अब आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए पदों का पूरा ब्यौरा जारी कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इसमें पदों की संख्या सर्वाधिक, यदि देखी जाए तो सर्वाधिक पदों की संख्या आपको कंप्यूटर साइंस में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें पदों की संख्या लगभग 1800 होगी और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में पदों की संख्या लगभग 1650 होने चल रही है, ठीक है। फिर आपके अन्य विषय आएंगे, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, जो आपके बड़े विषय होते हैं, इनमें पदों की संख्या आप लोगों को 1000 तक देखने के लिए मिल सकती है, ठीक। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि विज्ञापन कब तक जारी होगा। विज्ञापन आप लोगों का पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है, जो थोड़े से भी टेक्निकल फॉल्ट हैं उस पर लोक सेवा आयोग काम कर रहा है और विद्यार्थियों को एक नोटिस भी बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाली है ओटीआर के संदर्भ में। अभी एक नोटिस आई थी, अभी एक नोटिस फिर आने चल रही है, क्योंकि अब आरओ एआरओ का विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि अब प्रक्रियाएँ शुरू हुई हैं ना, तो अब ये मंत्रगत से नहीं बल्कि रॉकेट के स्पीड से भागेंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव है ना, और सरकार के साथ साथ संस्थाओं के पास बहुत कम समय बचा है, तो चुनावी मोड में कोई भी विज्ञापन जारी होता नहीं है। अगर अधिसूचना लागू हो गई तो विज्ञापन जारी नहीं होते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है, ठीक। और पदों के ब्यौरा पूरा तरीके से आप लोगों को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा बहुत जल्दी ही, क्योंकि कुछ नए अध्याचन भी जुड़े हैं, कुछ पुराने पदों को भी इसमें जोड़ा गया है। तो अब एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन ज़्यादा दूर नहीं है, आप सभी लोगों को अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस करना होगा ताकि एक सीट आप सभी लोगों के सुनिश्चित हो सके, ठीक है। जो विद्यार्थी प्रीफर करते हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ लोक सेवा आयोग की भर्तियां देनी है या उत्तर प्रदेश की पर्सनली भर्तियां देनी है ताकि हम बाहर न जाएं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये एक सुगमतम रास्ता है, एक सुगमतम मार्ग है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी जो हमारी याचिका में याची हैं, वो विद्यार्थी तत्काल हमसे संपर्क कर लें। विनम्रता पूर्वक उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी संपर्क कर लें। और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अब समय बेहद कम है, 2 दिन का समय बचा हुआ है, आप लोग यदि जुड़ते हैं तो जैसे 2016 के विद्यार्थियों को, 68 विद्यार्थियों को नौकरी मिल गई, वैसे ही आप सभी लोगों को भी नौकरी मिल सकती है। इसलिए आप सभी लोग चैनल के साथ भी जुड़िए और यदि आप अप्लायर रहे हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के, तो आप सभी लोग हमारी याचिका से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर याची भी जुड़िए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप नोट्स भी बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका एक प्रमुख मुद्दा, यूपी कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन।
एज रिलैक्सेशन का ये मुद्दा आप सभी लोगों का मंगलवार को सुना जाएगा हाईकोर्ट में। और प्राप्त सूचना के अनुसार मैं आप सभी लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इसमें आप सभी लोगों को कुछ एडवांटेज देखने के लिए मिलने वाला है जो कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, मतलब एज रिलैक्सेशन, ठीक है ना। और एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण तर्क और तथ्य सम्मिलित होने वाला है उसमें कि रिजर्व कैटेगरी को 5 वर्ष और अनरिजर्व कैटेगरी को 3 वर्ष ये एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक। तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो ओवर एज विद्यार्थी हो रहे थे, भाई बहन हो रहे थे, जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते, जाहिर सी बात है कि मुख्य सचिव महोदय ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। उन्हीं तमाम तथ्यों पर, उन्हीं तमाम विचारों पर विचार हुआ है और आप सभी लोगों को ये रिलैक्स मिलने चल रहा है, ठीक है। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर इसका विज्ञापन कब तक आएगा। तो इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को 25 अक्टूबर के बाद कभी भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तैयारियां पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में इसमें बहुत ज़ोरों पर चल रही हैं और साथ ही साथ आपका यूपीटी प्लससी भी तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि इनको कई सारे बड़े रिजल्ट डिक्लेयर करने हैं, साथ ही साथ काफ़ी सारे इनको महत्वपूर्ण कार्य भी करने हैं, ठीक है, ताकि इस बार किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। क्योंकि जब भी वीडियो वगैरह का रिजल्ट जारी होता है तब तब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, कुछ ना कुछ विवाद हो ही जाते हैं। ऐसी विवादों की स्थितियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ताकि चुनावी मोड में बिल्कुल भी गवर्नमेंट को परेशानी ना हो। इसलिए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि आप जो भी रिजल्ट जारी करिए उसमें विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक। आपको चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, अपने रिजल्ट को लेकर के या अपनी परीक्षाओं को लेकर के। टीजीटी पीजीटी के लिए भी आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग देखने के लिए मिली शिक्षा निदेशालय में, जिसमें इस बातों को डिक्लेयर किया गया है कि सर्व आपके हाईकोर्ट में जो याचिकाएं चल रही हैं उन याचिकाओं के फैसले होने के बाद जो विद्यार्थी उसमें याची लिस्ट में आएंगे उन विद्यार्थियों की काउंसलिंग करा करके उनको नियुक्तियाँ विभिन्न विषयों में प्रदान की जाएगी। उसके बाद जो सीट आपकी बचती है उसको मेरिट के अकॉर्डिंग 5% विद्यार्थियों को बुला करके उनकी काउंसलिंग करा के उनको नियुक्तियाँ दे दी जाएंगी। अदरवाइज सारी वेटिंग लिस्ट धरी की धरी रह जाएगी, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10% वेटिंग लिस्ट पहले ही फाइनल की जा चुकी है। इसलिए अब आप लोगों के सामने केवल और केवल 5% की वेटिंग लिस्ट आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एलिजिबिलिटी को लेकर के, कौन विद्यार्थी एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता अप्लाई कर पाएंगे। जिन विद्यार्थियों के पास बीएड की डिग्री होगी, जिन विद्यार्थियों के पास परास्नातक की डिग्री होगी वो लेक्चरर के लिए अप्लाई करेंगे, और जिन विद्यार्थियों के पास केवल और केवल बीएड और स्नातक की डिग्री होगी वो एलटी ग्रेड अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो जो नॉन बीएड वाले जो स्टूडेंट परेशान हैं उनके लिए भी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको किन्हीं भी मुद्दों को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोगों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत जल्दी इसका सजेशन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों की उदासीनता, आप लोगों की निष्क्रियता, जाहिर सी बात है आप लोगों पर ही भारी पड़ जाएगी। क्योंकि टीम के सदस्यों का अगर उत्साह डावाडोल हो गया तो जाहिर सी बात है कोई भी कार्य संपादित नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और हमारे टीम के सदस्यों का भी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अब एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन का इंतजार अब बहुत जल्दी आप लोगों का समाप्त होने वाला है, और जैसे इसका इंतजार समाप्त होगा तुरंत ही आपकी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम की तिथियां भी घोषित हो जाएंगी, क्योंकि इसी अक्टूबर में आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग भी पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाएगा। आज मैंने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में देखा, सारी चीज़ों का रिनोवेशन का काम 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सारी चीज़ें एकदम नेम प्लेट वगैरह बाकायदा टनाटन बनाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को थोड़ा सा उत्साहित होने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे सचिव का कार्यालय, आपके अध्यक्ष का कार्यालय, साथ ही साथ सदस्यों का जो ऑफिस है, ये सारी चीज़ें एकदम बाकायदा वेल मेंटेन कर दी गई हैं और बाकायदा एक बढ़िया सा नेम बोर्ड बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से है, ठीक है ना। तो ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत जल्दी आपको अधिसूचना देखने के लिए मिलने वाली है। तो आप परेशान क्यों होते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए, आपके हितों के लिए कार्य भी करता हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को बेहतरीन अपडेट भी देता हूँ और आपकी जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने हेतु हम कार्य भी करते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।